वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। दोस्तों, हम सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, ईद, यहाँ तक कि जो स्पेशल डे होते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर सिस्टर्स डे, यहाँ तक कि फ्रेंडशिप डे। तो हम एनवायरनमेंट डे क्यों ना सेलिब्रेट करें? क्या हम इसे सिर्फ स्कूल में प्रोजेक्ट के तौर पे देखते हैं? अगर हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं इसे सेव और सेफ नहीं रख सकते, तो बाकी कोई भी डे हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर प्लेनेट सेफ है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो सभी फेस्टिवल भी है। तो फिर हम सभी फेस्टिवल के साथ साथ इसी उल्लास के साथ हम अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे क्यों ना सेलिब्रेट करें? आखिरकार पृथ्वी की रक्षा हमारे ही हाथों में है। हम अपने प्यारे पृथ्वी को फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हैं? तो छोटी सी पहल हम क्यों ना करें? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इस मौके पे मैंने नर्सरी से 2-3 प्लांट परचेज किए हैं और मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं। तो अपने एक प्लांट से और भी सारे प्लांट मैंने प्रोपगेट किए आज। तो दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसे हम बिना केयर के अपने घरों में लगा सकते हैं और पृथ्वी को बचाने में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनमें से जो नंबर 1 प्लांट है दोस्तों, वो है मनी प्लांट, और ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है। तो आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं, वाटर में प्रोपेगेट कर सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं आप, और ये छोटे छोटे कंटेनर में लग जाता है। इनकी रूट हफ्ते के अंदर में आराम से आ जाती हैं। और जो सेकंड प्लांट है दोस्तों, वो है सिंगोनियम। ये भी काफी इजी टू केयर प्लांट है, ये भी आप बड़ी आसानी से अपने इंडोर रख सकते हैं ब्राइट लाइट में। जो थर्ड नंबर प्लांट है दोस्तों, वो है रबर प्लांट। ये भी काफी इजी टू केयर प्लांट है, आराम से आपके, अगर एक बार आपने लगा दिया तो आपके पास 5-6 सालों तक ऐसे बना रहेगा, और आप इनकी कटिंग से एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो अभी रेनी सीजन आने वाला है, तो आप रेनी सीजन में इनकी कटिंग लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, वो है एरिका पाम। ये भी इंडोर प्लांट है और आउटडोर भी प्लांट है, ब्राइट लाइट में अच्छे से सर्वाइव करता है, और ये भी ऑक्सीजन रिच प्लांट है। तो हम इसे भी अपने घरों में डेकोर के तौर पे लगा सकते हैं। सेंसिवेरिया मदर ऑफ टंग स्नेक प्लांट दोस्तों, ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है और काफी हार्डी प्लांट है और इजी टू केयर प्लांट है। और ये अगर आप लेजी हैं, तो अगर आपको प्लांट लाइक करते हैं, आप प्लांट्स को, बट आप केयर नहीं कर पाते, तो आप इस प्लांट को अपने घरों में जगह दीजिए। ये काफी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, एक ही पॉट में ये 2 सालों तक आराम से सर्वाइव कर जाता है और उनमें से बेबी पॉप्स निकलते हैं। तो आप इनको डिवाइड करके एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और अपने आसपास रखिए। ऑक्सीजन रिच प्लांट है, आपके आसपास के जो हवा है उनको शुद्ध करता है ये प्लांट। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत सारी मनी प्लांट की जो कटिंग है वो प्रोपगेट करने जा रही हूँ। ये देखिए आप सामने जो मनी प्लांट की बहुत सारी कटिंग लगा रखा है मैंने, और कुछ तो आज लगाया मैंने और कुछ हफ्ते, मतलब एक एक करके ऐसे, कोई 2 दिन पुराना है, कोई 4 दिन पुराना है, ऐसे करके हैं। तो जो जिन प्लांट की कटिंग हफ्ते होगी, 1 वीक की होगी, उनमें रूटिंग आने शुरू हो गए हैं। और ये जो है एग्लोनीमा की कटिंग है, जिन्हें मैंने आज ही इनको प्रोपोगेट किया है, तो इनकी रूटिंग आने में एटलीस्ट 1 वीक से 10 दिन का टाइम लग जाता है। पर्यावरण पर है सबका हक, इसीलिए इसकी रक्षा भी है सबका कर्तव्य। चलो इस धरती को रहने के योग्य बनाएं, मिलकर हम पर्यावरण दिवस मनाएं। हैप्पी एनवायरनमेंट डे। तो यह एक छोटा सा वीडियो था एनवायरनमेंट डे के ऊपर। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।